बढ़ते हैं क्योंकि मौसम का मिजाज भी लगातार खराब बना हुआ है। 24 घंटों में फिर से बदल भी सकता है मौसम। और ऐसे में आपको ये भी बता दें, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा ये ऐसी जगह है जहां पर फिर से बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बिजली और पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत कल ही हुई। जिस तरह से दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदला, उसके बाद पहाड़ों पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है और इसी बीच कुछ लोगों के चेहरे जरूर बारिश और ओलावृष्टि से खिले, लेकिन किसान काफी मायूस नजर आए क्योंकि उनकी फसल बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट जरूर आई है और सबसे जरूरी बात यह है कि मार्च में इतनी ज्यादा बर्फबारी उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। इससे पहले 2015 में इतनी ज्यादा बारिश हुई थी जितनी ज्यादा अब बारिश मार्च के महीने में हुई है। 101.02 मिलीमीटर इस बार बारिश हुई है मार्च के महीने में। और इससे पहले 2015 की हम बात करें तो 2015 में 97.02 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन अब 2015 के बाद 2020 का वो वक्त है जब बारिश ने मार्च के महीने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, कहीं ना कहीं सीएम योगी की तरफ से मरहम लगाने की तमाम कोशिश अब की जा रही है और किसानों पर। ये 4 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मौसम का मिजाज बदला और उसके साथ साथ पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है, हालांकि अब उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको पहाड़ी इलाकों के दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में किस तरह से ओले गिरे हैं वो भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और किसानों की फसल भी काफी बर्बाद इस बारिश के कारण हुई है और यूपी में तो बारिश जो हुई है कहीं ना कहीं वो कहर बनकर बारिश हुई है। बादल गरजे लेकिन कहर बनकर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, मौसम का मिजाज हम देख रहे हैं लगातार बदल रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश अब हुई है, तापमान में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी उसमें भी अब गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि फिलहाल आपके यहाँ का क्या हाल है, क्या अभी भी मौसम का मिजाज वहां पर खराब ही बना हुआ है? जी आकांक्षा जी, आपको बता दें कि आसमान से उतरी इस आफत ने किसानों को जो बर्बादी के कगार पर पहुंचाया है, बेमौसम हुई इस बरसात ने जो किसानों को जख्म दिए हैं वो पूरे साल सालते रहेंगे। आज बात करें मौसम की तो सूरज आज लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। सूरज कभी निकलते हैं तो कभी छिप जाते हैं बादलों के पीछे, लेकिन किसानों की बर्बादी की बात यहाँ बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात करती थी, तो कहीं ना कहीं किसान जो इस बारिश से और ओले से पड़ने से जो बर्बादी के कगार पर पहुंचा है, किसान की जो फसल है, आलू की फसल हो, गेहूं की फसल हो या फिर तेलहन की या फिर सरसों की, 80 से 90% जो बर्बाद हुई है उससे किसान का पूरे साल का बजट गड़बड़ा गया है। तो क्या किसान अपनी फसल को पालते हुए ये सोचता है कोई मुआवजा अभी तक किसानों के लिए ऐलान किया गया है? जिस तरह से फसल किसानों की बहुत ज्यादा मात्रा में बर्बाद हुई है यूपी के अंदर। जी आकांक्षा, आपको बता दें कि 15 जनपदों को 38 करोड़ का मुआवजा राशि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दी है, जबकि पूरे प्रदेश में इस तरीके की जो बर्बादियां फसल की हुई है वो पूरे प्रदेश में हुई है, लेकिन 15 जनपदों को जो ये मुआवजा दिया गया है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। लगातार जिस तरीके से किसान की फसल ज्यादा मात्रा में बर्बाद हुई है तो कहीं ना कहीं ये जो मुआवजा है वो राशि बहुत कम है। और किसानों की हालत हम देखें, किसानों की हालत की बात करें तो हमने किसानों से बात की, किसान रो रहा है आज, खून के आंसू किसान उत्तर प्रदेश के रो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां खुले आवारा सांड या पशु उनकी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं आसमान से उतरी इस आफत ने भी उनको बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। तो ऐसे में किसान क्या करे, किसान आखिरी अपने बजट को किस तरीके से मैनेज करे पूरे साल के? बच्चों की पढ़ाई होती है, शिक्षा पे खर्च होता है, स्वास्थ्य पे खर्च होता है, तमाम इस तरीके के घरेलू खर्च होते हैं और बर्बाद होने के कगार पर किसान उत्तर प्रदेश में इस समय आकांक्षा पूरी तरह से है। तो लेकिन सरकार ने जिस तरीके से 38 करोड़ का मुआवजा दिया है, कोई उम्मीद है आने वाले दिनों में? जी मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक लगातार ये चेतावनी जारी की है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बारिश हो सकती है और लगातार इसके लिए जनता तैयार रहे। लेकिन जिस तरीके से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, किसान ऐसा किसान के पास कोई उपकरण नहीं होता आकांक्षा कि वो किसी तरीके से अपने आप को तैयार कर पाए इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि किसानों के जो जख्म है उन पर मजबूती से मरहम लगाए, उनकी मदद करे, उनके साथ खड़ी दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं किसानों को जो
किसानों की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई हो सके और किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट सके। जी आकांक्षा, और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये अड़चन जरूर बन सकती है क्योंकि योगी सरकार लगातार किसानों को राहत देने की बात करती आई है और यहाँ पर तो एक बड़ा जख्म अब मौसम की तरफ से भी किसानों को दे दिया गया है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से किसानों को ये बड़ा जो हानि हुई है उससे लगातार किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है, किसान दो तरफी मार झेल रहा है। आपको बता दें आकांक्षा कि लगातार जिस तरीके से मौसम में गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। कोरोना वायरस लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है वो कम होता जाता, लेकिन आज जिस तरीके से टेम्परेचर डाउन हुआ है और सर्दी एक तरीके से वापस लौट आई है तो कहीं ना कहीं आकांक्षा कोरोना वायरस का डर किसानों में या उत्तर प्रदेश के निवासियों में बढ़ गया है। तो एक तरफ तो कोरोना वायरस का डर और दूसरी तरफ से आसमान से बरसी आफत, तो किसानों के लिए तो ये बिल्कुल दुस्वप्न जैसा है, एक खराब सपने जैसा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि उनके साथ खड़ी रहे, उनके जख्मों पर लगातार मरहम लगाए, ये आकांक्षा सरकार को उत्तर प्रदेश की करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने कोरोना का जिक्र किया, 12 केसेस अभी तक यूपी से भी सामने आ चुके हैं, 5 केसेस ऐसे हैं जिन्हें रिकवर किया जा चुका है, लेकिन जरूरी ये भी है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बारिश अगर और ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा डर कोरोना का बढ़ जाएगा, क्या ये संभव है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा आकांक्षा तो कोरोना वायरस का जो खतरा है वो अपने आप में बढ़ता जाएगा, लेकिन जिस तरीके से टेम्परेचर अभी बढ़ा था, एक्सपर्ट्स का मामला मानना यह है कि 35 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर पहुंचता है तो कोरोना वायरस का जो खतरा है वो कम हो जाएगा, लेकिन जैसे बारिश होती है और जिस तरीके से 2-3 दिनों में पिछले बारिश हुई है तो उससे टेम्परेचर की गिरावट हुई है और टेम्परेचर की गिरावट के साथ कोरोना वायरस का जो डर है वो अपने आप में बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं घटते टेम्परेचर से कोरोना वायरस का खतरा उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बढ़ेगा। जी आकांक्षा, यानी कि अब जरूरत है तो सभी लोगों को जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बारिश हुई है और आने वाले दिनों में राहत की भी उम्मीद जल्द ही नजर नहीं आ रही है क्योंकि मौसम विभाग भी कह रहा है कि अभी भी आसार है बारिश होने के, लेकिन ऐसे में ये भी जरूरी है कि जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद सभी को पूरी तरह से अपना ख्याल रखना होगा। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुभाष, लेकिन फसल जरूर किसानों की बर्बाद हो चुकी है और अब योगी सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है कि किसी भी तरह से उन पर मुआवजे का मरहम लगा दिया जाए क्योंकि जख्म मौसम की तरफ से बहुत ज्यादा किसानों को दे दिए जा चुके हैं। अब ऐसे में किसानों को उम्मीद है तो सिर्फ सरकार से ही उम्मीद है।